महाराष्ट्र में शिवसेना के विधायकों की जो टूट हुई थी, उसके बाद शिंदे गुट में शामिल हुए विधायकों की अयोग्यता को लेकर के पूरा बवाल मचा हुआ है। स्पीकर के फैसले ने यहां की राजनीति को न सिर्फ गर्मा दिया है, बल्कि आरोप प्रत्यारोप का दौर और तेज हो गया है। और अब स्पीकर राहुल नार्वेकर ने जिस तरह का फैसला दिया है, उसके बाद तो शिवसेना फायर है। शिवसेना के 16 बागी विधायकों को अयोग्य घोषित नहीं करने पर यहां की राजनीति इतनी गर्म है कि अब जुबानी जंग तेज हो गई है। शिवसेना UBT यानी शिवसेना उद्धव ठाकरे के नेताओं के हमले के बाद अब पार्टी के मुखपत्र सामना में तीखा लेख लिखा गया है, और इस तीखे लेख में ऐसे ऐसे आरोप लगाए गए हैं जिसका जवाब आने वाले समय में मिलेगा, और ये जवाब देना मुश्किल भी होगा। दरअसल इसमें शिंदे गुट के साथ साथ स्पीकर राहुल नार्वेकर पर भी कड़ा कटाक्ष किया गया है। सामना अखबार में कहा गया है कि अब विधानसभा अध्यक्ष ने ऐलान किया है कि असली शिवसेना किसकी है, ये तय करने का अधिकार मुझे ही है। विधानसभा अध्यक्ष ऐसा किस आधार पर कहते हैं, जहां विधानसभा अध्यक्ष की ही नियुक्ति दिल्ली से की जाती हो और उसे संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति 5 साल में 4 पार्टियां बदल कर उस पद पर बैठा हो, उस व्यक्ति ने शिवसेना जैसी महाराष्ट्र स्वाभिमानी पार्टी का स्वामित्व तय करने का चौंकाने वाली बात कह दी है। यानी ये सीधे तौर पर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के ऊपर कटाक्ष। सामना में भी आगे ये भी लिखा गया है कि विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर का ये फैसला महाराष्ट्र में अराजकता पैदा करने वाला है और झूठ के गले में मणि वाली माला पहनाने वाला है। सामना में आगे ये भी कहा गया है कि देखिए ये कैसा लोकतंत्र का कैसा मजाक उड़ाया गया है, जिस पार्टी में आज 100% तानाशाही और एकाधिकारशाही और उस पार्टी द्वारा नियुक्त विधानसभा अध्यक्ष का ये कहना है कि शिवसेना में कोई लोकतंत्र नहीं है और गद्दारों की पार्टी से निकालने का अधिकार शिवसेना पक्ष प्रमुख को नहीं है, ये संसदीय लोकतंत्र का अब तक का सबसे बड़ा मजाक है। उन्होंने आगे ये भी लिखा है कि विधानमंडल में बहुमत के आधार पर इसी विधानसभा अध्यक्ष ने फैसला सुनाया कि शिवसेना घाती शिंदे गुट की है, अवैध तरीके से नियुक्त किए गए अध्यक्ष से किसी कानूनी फैसले की हमें उम्मीद तक नहीं है। बाला साहब ठाकरे की शिवसेना को एक बेईमान गुट को सौंप कर विधानसभा अध्यक्ष ने महाराष्ट्र के साथ बेईमानी की है, ऐसे ऐसे गंभीर आरोप राहुल नार्वेकर जैसे संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के लिए लिखे गए। सामना में आगे लिखा गया है कि विधानसभा अध्यक्ष का कहना है कि इस दावे की पुष्टि करने वाले कोई दस्तावेज सबूत नहीं मिलते कि शिवसेना उद्धव ठाकरे की है। शिवसेना के संविधान में पक्ष प्रमुख का पद नहीं है, इसीलिए उन्हें पार्टी के बारे में निर्णय लेने का कोई अधिकार भी नहीं, लेकिन सिर्फ 1.5 साल पहले BJP के टेस्ट ट्यूब से पैदा हुए शिंदे गुट से विधानसभा अध्यक्ष को शिवसेना के स्वामित्व और विचारधारा के कौन से दस्तावेज मिले। सुप्रीम कोर्ट ने जबकि साफ कर दिया था कि शिंदे गुट द्वारा नियुक्त व्हिप भरत गोगावले अवैध हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त राज्यपाल की भूमिका पर सवाल उठाए। कोर्ट ने भी ये माना था कि शिवसेना के सुनील प्रभु ही व्हिप हैं, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने सुप्रीम कोर्ट की इन टिप्पणियों और निर्देशों को खारिज कर दिया और शिंदे गुट के सभी अवैध गतिविधियों को मंजूरी दे दी। सामना में आगे ये भी कहा गया है कि ये सुप्रीम कोर्ट तक का अपमान है। राहुल नार्वेकर के पास संविधान के मद्देनजर एक ऐतिहासिक निर्णय देने का बड़ा अवसर था। इस तरह के फैसले से उनका नाम भारतीय न्याय क्षेत्र के हमेशा से अंकित हो गया है, लेकिन उन्हें दिल्ली के मालिकों द्वारा लिखा गया फैसला पढ़ने वाला ही माना जाएगा, जो अपने आप को यह फैसला पढ़कर धन्य माना है। उन्होंने शिंदे के 16 विधायकों को अयोग्य ठहराने से इनकार तक कर दिया है और इसके लिए घटिया कारण बताए। आगे लिखा गया है कि पार्टी शिंदे की और उनके विधायक योग्य हैं, यह तय करने में उन्हें 16 महीने लग गए। राहुल नार्वेकर ने आंध्र प्रदेश के बहुमत वाले NT रामाराव सरकार को अवैध रूप से बर्खास्त करने वाले तत्कालीन राज्यपाल रामलाल की तरह काम किया है। इस समय देश में अयोध्या के राम मंदिर के उद्घाटन के दिए जलाने की जोरदार तैयारी चल रही है, और ऐसे में और इसी वक्त में दूसरी तरफ महाराष्ट्र में लोकतंत्र का दिया बुझा दिया गया है, लोकतंत्र की हत्या कर दी गई। सामना में आगे कहा गया है कि विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकर ने 2 राजनीतिक बयान दिए। पहला, ये सच नहीं है कि गद्दार विधायकों ने BJP के साथ गठबंधन किया है, और दूसरा ये कि घाती विधायकों ने कोई अनुशासनहीनता या पार्टी विरोधी गतिविधि नहीं की है।
ये बात विधानसभा अध्यक्ष ने अपने फैसले में ही कही है। पार्टी विरोधी गतिविधियां की गई हैं या नहीं, ये उस पक्ष का प्रमुख तय करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष को ये अधिकार किसने दिया? शिवसेना ने पार्टी थाने के नुक्कड़ की पान टपरी नहीं कि कोई ऐरा गैरा जाकर उस पर अवैध रूप से कब्जा कर ले। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर का यह फैसला संविधान कानून की हत्या कर दिल्ली की मदद से महाराष्ट्र पर किए गए आघात जैसा है। सामना में आगे ये भी लिखा गया है कि विधानसभा अध्यक्ष ने सुबह ही कहा था कि बेंचमार्क फैसला दिया जाएगा, लेकिन उनका यह फैसला दुनिया भर में लोकतंत्र के मुख पर कालिक पोतने वाला है। उन्होंने इतिहास रचने का अवसर गवा दिया है। महाराष्ट्र के एक गुट दिल्ली का गुलाम है, वो लोकतंत्र का जनमानस को गुलाम बनाने की कोशिश में लगा हुआ। शिवसेना के बेईमान विधायक पहले सूरत और फिर वहां से गुवाहाटी गए, फिर गोवा और आखिर में मुंबई लौटे। वो पार्टी विरोधी गतिविधियों की पराकाष्ठा ही थी। सामना में आगे ये भी लिखा गया है कि विधानमंडल में उन्होंने पार्टी का आदेश नहीं माना। हमारे साथ दिल्ली की महाशक्ति है, चिंता मत करो, ऐसा शिंदे घाटी विधायकों से बारंबार कहते रहे। लेकिन राहुल नार्वेकर संविधान के पद पर झूठ बोलते हैं कि इन सब से बीजेपी का संबंध नहीं है। महाराष्ट्र की चोर मंडली को मान्यता देने के लिए संविधान को पैरों तले रौंदा गया। बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष ने विधानसभा में कहा था कि बाला साहब की वसीयत को पार्टी की वसीयत नहीं माना जा सकता, सिर्फ ठाकरे को कोई पसंद नहीं है इसलिए किसी को हटा दें, जैसा उन्होंने शिंदे के साथ किया। पार्टी के संविधान में इसका कोई प्राविधान नहीं है, इसी को आधार मारकर नार्वेकर ने अयोग्य घोषित किया था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।